हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, यह तो आप सबको पता ही होगा कि भारत हर समय दुनिया में सबसे ऊपर रहने की कोशिश करता है। यह इसलिए है ताकि कोई भी देश हमसे पंगा ना ले सके या फिर हमें नीचा ना दिखा सके। इसी वजह से तो भारतीय कंपनी HAL ने तेजस नामक एक लड़ाकू विमान को डेवलप किया, जिसे हाल ही में मलेशिया के साथ एक फाइटर जेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस हिसाब से देखें तो तेजस थोड़ी ही देर में एक बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाकू विमान बन चुका है। ऐसे में कोई भी देश तेजस के साथ डील करने में क्यों कतराएगा? वेल, यह तो आपको ऑस्ट्रेलिया से ही पूछना पड़ेगा कि क्यों वह भारत की तेजस ट्रेनर लड़ाकू जहाजों की डील को ठुकरा रहा है। टॉप ऑस्ट्रेलियन डिफेंस ऑफिशियल्स ने बार बार भारत को इनफॉर्मली बताया है कि ऑस्ट्रेलिया शायद भारत का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफेंस डील यानी कि G2G डील, जिसके तहत होम बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA के ट्विन सीट लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट वर्जन यानी कि लिफ्ट एयरक्राफ्ट के वर्जन को सप्लाई करने वाला था, उसे वह शायद एक्सेप्ट न करे। पर यह सब शुरू कैसे हुआ था? दरअसल 2020 के जून का रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, जिसको आप छोटे में RAF बुला सकते हैं, इसने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें जानना था कि वह अपने एग्जिस्टिंग ब्रिटिश एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए 33 हॉक MK-127 लिफ्ट एयरक्राफ्ट के फ्लीट को फ्यूचर लिफ्ट एयरक्राफ्ट के साथ कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। पर इस फ्लीट को रिप्लेस करने की जरूरत क्या है, क्योंकि यह 2001 से काम कर रहे थे। इसी सब के चलते भारत का स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने RFI को रिस्पॉन्ड करते हुए सितंबर 2021 में 35 LCA लिफ्ट एयरक्राफ्ट को एक ऑस्ट्रेलिया के साथ G2G डील में बेचने का पिच किया था। सूत्रों के मुताबिक यह डील करीबन $40 मिलियन यूनिट कॉस्ट को लेकर भी कम से कम $1 मिलियन वर्थ होता। क्या आप समझ रहे हैं कि यह कितनी बड़ी रकम है? कमेंट करके बताइए कि अगर आपको इतने पैसे दे दिए जाएं तो आप क्या करेंगे, किधर स्पेंड करेंगे आप लोग? पर अब इन सब कुछ के बाद ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में बैठे ऑफिशियल्स ने अचानक से मन बना लिया है कि उन्हें भारत का यह बेहतरीन ऑफर अब मंजूर नहीं है। भारत का वैसे भी पहले से ही बहुत खास संबंध नहीं रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब इस मूव से डिप्लोमेट्स को डर है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वह भी आपकी तरह जागरूक बने। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वह बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की सबसे पहले खबर मिले। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आपको सबसे पहले खबर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।